298.15 273 273 प्लस 25 273.15 स्किप कर दिया बा हमरा 273 लिखन देटा इज 298 केल्विन के देजे 298 केल्विन एटा सेम के देजे 273 कौन कहू छु अरे 0 डिग्री सेल्सियस तब का में 273.15 लेखंती बट सेटा का में कंसीडर करन 273 केल्विन इस बेले नहीं 273 हम कम से 273 में सेवा अरे के देसी बो सिक्स फोर्टी सिक्स केल्विन देखो जो गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस रीजन कौन कुछ व्हाई नैप्थलिन डिसअपीयर्स विद द विद टाइम विदाउट लिविंग इन सॉलिड विदाउट लिविंग इन सॉलिड जब नैप्थलिन को हम रखि देबा किस समय पर कौन डिसअपीयर हो जीव तल से कौन सॉलिड टाइट कौन हो जाउची इके से सॉलिड टा गैसियस कन्वर्ट हो जाउची कहीं की बिकज नाथालीन अंडर गोज सब्लिमेशन कौन हो लिख नाथालीन बिकल बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग इन द सॉलिड बिकज इट अंडर गोज सब्लिमेशन बुझल ना पिले नाथालीन जान ना कौन कर्पूर जो कहती मन से एक्चुअली रूम टेम्परेचर डिशा पी दीजिए कुछ वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सेटिंग सेवरल मीटर्स अवे कहीं की व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस मैं कौन पाई परफ्यूम रो स्मेल टा बहुत दूर हम सुखी परंती कहीं की हेलो कौन पे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डिफ्यूजन मैम डिफ्यूजन हेलो रे डिफ्यूजन मैंने जान गोटे जिनस सॉलिड हो कि लिक्विड हो आ गोटे जिनस मिसवाटा को हमें कहते डिफ्यूजन बुझुची कि नहीं जमती सुगार अच्छी वाटर अच्छी वाटर रे हमें किसी सॉल्ट पकेले तो से सॉल्ट टा कौन है से पार्टिकल ले मिक्स कर जाउ कि नहीं मिसी जाउ कि नहीं दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन ताको हमें कहते तले एटी परफ्यूम स्मेल टा एटी कौन पे हमें सुंगी परंती कौन पे बिकॉज़ द पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम कर परफ्यूम रो जो पार्टिकल्स अच्छा है दैट मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर कौन कर जाए से एयर रो पार्टिकल सहित मिसी जाए जो एयर सहित से ट्रैवल करे आमको स्मेल हुए सिंपल बुझी पार ना रे पिले हेलो बुझे ना नहीं तुमको क्वेश्चन आंसर पठे ना देखा जो नोट देनी से नोट से क्वेश्चन आंसर भी अच्छी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस वी कैन गेट द स्मेल स्मेल ऑफ परफ्यूम व्हाइल सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे बिकॉज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम कारण हूँ द पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर ओके एंड ड्यू टू हाई स्पीड्स ऑफ दिस पार्टिकल्स एवं ये पार्टिकल मानकर काइनेटिक एनर्जी अधिक है तो स्मेल ऑफ परफ्यूम रिचेस सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे
ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରେ ବସିଥିଲେ ବି ଆମକୁ ସ୍ମେଲ୍ ହୁଅନ୍ତି। ନୋଟ ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ, Yes, sir. କୁଛ ଆରେଞ୍ଜ ଦ ଫଲୋଇଂ ସବଷ୍ଟାନ୍ସେସ ଇନ୍ ଦ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଅର୍ଡର ଅଫ ଇନ୍ ଦ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଅର୍ଡର ଅଫ ଫୋର୍ସେସ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ବିଟୱିନ୍ ଦ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ। ହେଲେ ୱାଟର ର ଆଉ ସୁଗାର ର ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ର ଯୋଉ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଅଛି, ସେ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ କ'ଣ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଅର୍ଡର ଆମେ ସଜେଇବା କ'ଣ ହବ? ଅକ୍ସିଜେନ୍, ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ସିଜେନ, ୱାଟର, ଅକ୍ସିଜେନ ଟା ଗ୍ୟାସ, ସେଥିପାଇଁ କଣ ହବ ତାର ସବୁଠୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ଆସିବ? ୱାଟର, ୱାଟର ଟା ଲିକ୍ୱିଡ। ତାପରେ ଆସିବ ସଲିଡ, ସେଠି ସୁଗାର। ନେକ୍ସଟ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭ କ'ଣ ହବ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଅ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ୱାଟର ଆଟ୍ 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ? 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେ ୱାଟର ର ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ କ'ଣ ହବ? ବୁଝିଲ ନାହିଁ? ଲିକ୍ୱିଡ, କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜେସ ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ୱାଟରଟା, ଯଦି ୱାଟର କୁ ଆମେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରଖିବା, ସେ କଣ ହେଇଯିବ? କଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଠି ଆଇସ ହେଇଯିବ ହେଲା। 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କଣ ହବ? ସେ ଲିକ୍ୱିଡ, ତା ମାନେ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ କଣ ହବ? ଯଦି ଲିକ୍ୱିଡ ହବ କଣ ହବ? ଲିକ୍ୱିଡ ଫର୍ମ। ବୁଝାଉଛି କି ନାହିଁ? 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ କି ଫର୍ମ ରହିବ? ଲିକ୍ୱିଡ ଆଉ ଗ୍ୟାସ, ଲିକ୍ୱିଡ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଗ୍ୟାସ, ଲିକ୍ୱିଡ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାସିୟସ ଫର୍ମ। କାହିଁକି ନା 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରେ ସବୁତକ ପାଣି ଏଭାପୋରେଟ୍ କରିନଥିବ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲିକ୍ୱିଡ ବି କିଛି ଥିବ, ଗ୍ୟାସିୟସ ଫର୍ମ ବି କିଛି ଥିବ। 6 ନମ୍ବର କହୁଛି ଗିଭ୍ ଟୁ ରିଜନ୍ସ, ଟୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ୱାଟର ଆଟ୍ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଇଜ୍ ଏ ଲିକ୍ୱିଡ, ତାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଫ୍ରିଜିଂ ତାର ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, କହୁଛି ଗିଭ୍ ଟୁ ରିଜନ୍ସ ଟୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ୱାଟର ଆଟ୍ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର। ତା ମାନେ ୱାଟରଟା ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ମାନେ କେତେ? 27 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେ ଲିକ୍ୱିଡ ବୋଲି ସେଟା ଆମେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କର, ତାର କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ? ଆରେ ୱାଟର କୁ ଆମେ ଯଦି ଘରେ ରଖିଦେବା ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱିଡ ରେ, ସେ ସିମ୍ପଲ ସେମିତି ରହିଥାଏ ହେଲା। ବିକଜ ଇତିହାସ ଲେଖିବ ଫିକ୍ସ ଭଲ୍ୟୁମ, ରିଜିନ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଇତିହାସ ଫିକ୍ସ ଭଲ୍ୟୁମ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ ଇଟ ଟେକ୍ସ ଦ ସେପ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟେନର, ଇଟ ଟେକ୍ସ ଦ ସେପ୍ ଅଫ୍ ଦ କଣ୍ଟେନର ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କେପ୍ଟ। ତାପରେ ଯୋଉ କଣ୍ଟେନର ରଖିବା, ସେଇ କଣ୍ଟେନର ସେପ୍ଟା କ'ଣ କ୍ୟାପ୍ଚର କରିବ? ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କ'ଣ ଦବ? ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଫ୍ଲୋ ଆଟ୍ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର, ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ସେ ଫ୍ଲୋ କରିବ ହେଲା କି ନାହିଁ? ଏମିତି ଢାଳିଦେବା, ଫ୍ଲୋ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଗିଭ୍ ଟୁ ରିଜନ୍ସ ଟୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ ଆନ୍ ଆଇରନ୍ ଆଲମିରା ଇଜ୍ ଏ ସଲିଡ୍ ଆଟ୍ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର। କାହିଁକି ସେମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦବା? ଆକ୍ଚୁଲି ଏ ର ଯାହା ଦେଲ ବି ରେ ବି ସେୟା ଦବ। ଏଠି ଆନ୍ସର ଦେଖ, ଦେଇଛି ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଆନ୍ ଆଇରନ୍ ଆଲମିରା ଇଜ୍ ଏ ସଲିଡ୍ ଆଟ୍ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର, ଦିସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଏ ଡେଫିନେଟ୍ ସେପ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିକ୍ସ ଭଲ୍ୟୁମ୍, ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ ଇଜିଲି ଅନ୍ ଆପ୍ଲାଇଂ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଫୋର୍ସ। ସୁଜିନରେ ହ୍ୟାଲୋ, କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି କି? କିଛି ଡାଉଟ ବାହାରିବା କଥା ନୁହଁ, ଆକ୍ଚୁଲି ଏଇଟା ହଉଛି ବି ବି ଟ୍ରାନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କଣ କହୁଛି? ଏଇଟା 7 ନମ୍ବର କହୁଛି ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍ ଆଇସ୍ ଏଟ୍ 273 କେଲ୍ଭିନ୍
मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर, बुझुची कि नहीं? ता माने अच्छा 273 केल्विन माने केते टेम्पर केते डिग्री सेल्सियस, अरे 273 केल्विन माने केते डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस। देखो जी व्हाई इज आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, यदि आइस टा 0 डिग्री सेल्सियस थी ताको में कूलिंग करियर बहुत प्रोसेस माने बहुत बढ़िया है कूलिंग करियर कुछ, बट यदि वाटर टा 0 डिग्री सेल्सियस थी कुछ वाटर गोटे अच्छे 0 डिग्री सेल्सियस से आइस फॉर्म रो अच्छी, बट आइस गोटे अगेन 0 डिग्री सेल्सियस अच्छी ता भितरे आइस टा एक जोड़े माने आइस जे 0 डिग्री सेल्सियस थी सेटा के बेसी इफेक्टिव कहीं की जूच की नहीं ना अरे बुझिया नहीं बुझी पारो ना देखो इधर कुछ गोटे आइस इधर कौन आइस टे बाहु चला रे दिस इज आइस आइस टे कितने डिग्री सेल्सियस रची 0 डिग्री एटा होची वाटर एटा कोनो वाटर जोटा कि 0 डिग्री सेल्सियस रे अछि तो आइस टा को फॉर्म रे अछि सॉलिड सॉलिड फॉर्म रे अछि त लिए कूलिंग कर दियो माने कोनो ओटा आइस के ने ओटा आइस नै कि रखिबो आइस नै कि रखिबो को फ्रिज रे आ वाटर नै कि रखिबो फ्रिज रे जो वाटर टा वाटर 0 डिग्री सेल्सियस माने कोनो से कंप्लीटली कौन आइस ही नहीं थी बस कह बोले तो यही केस रे सॉलिड टा सॉलिड हो बेसी एनर्जी नबो ना वाटर टा ये केस रे वाटर टा कौन हो वाटर टा लिक्विड फॉर्म रे अछि कि नहीं तो प्रथम लिक्विड फॉर्म टा कौन सॉलिड को चेंज हो ता बोले लिक्विड टा सॉलिड चेंज ले कौन हो तो अधिक एनर्जी नबो ना नहीं तो एनर्जी क्या रेडी अधिक अछि आइस रो नहीं अरे यस बुझना नहीं मुझे ना पिल्ले हेलो यस सर लेकिन बित रीजन लिखी हुआ आइस कैन इजीली ऑब्जर्व मोर एनर्जी कौट अब्जर्व कर फ्रम द सराउंडिंग्स आइस कैन इजिली अब्जर्व मोर एनर्जी फ्रम द सराउंडिंग्स प्लान बुझुच कि नहीं बिकज इन द फॉर्म ऑफ latent heat of latent heat for changing its state from solid लिक्विड हला बट वाटर बट वाटर डज नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी बुझुच कि नहीं सो आइस इज आइस एट 273 केल्विन इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर at the same temperature. Hello, Rebele. Yes, sir. Dekho. Yes, sir. So what produces more severe burns? Tale ko jinsa beshi burn karibo? Boiling water na steam? Dita jinsa achi. Kon kon achi?
What is boiling water? और स्टीम अच्छे वो जिनसे सीवियर बर्न करियो वो जिनसे करियो बॉइलिंग वाटर करियो ना स्टीम करियो स्टीम कहेंगे ना स्टीम हैज हायर एनर्जी कंपेयरिंग कंपैरिजन टू बॉइलिंग वाटर ले बुझे जरा नहीं देखो उड़े कौन था देखो हेलो सुबुची पिले आमे बर्तन एटा को हीट करछन कोटा को आ भीतर किछ पानी अछि आमे एटा को हीट कर लिया नहीं वो बुझे कौन से सुना अभी तो वाटर अच्छे तो वाटर पार्टिकल गुड़ा वर्तमान स्टीम हेले नहीं तो मैंने गैसेस फॉर्म कन्वर्ट हेले नहीं सुबह जी नहीं बे यस सर दूर हुआ तो जितने बड़े हमें ताको हीट कर ले ये जो वाटर पार्टिकल गुड़ा तो से किसी एनर्जी पाइलेस ने कौन बे तांका भी तेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने कमी बो से गैसेस फॉर्म पड़ी जी बे सुबह जी नहीं यस सर तो ताक भीतर किसी बर्तन कौन बर्तन वाटर पार्टिकल ये अच्छे मैंने ये जो पार्टिकल टा किसी एनर्जी पाइब तापर जा कौन हम सी गैसियस फॉर्म को पलिज जो पार्टिकल टाइम पलैला बर्तन या भितर जो पार्टिकल अच्छे ए पार्टिकल आ पार्टिकल भितर एनर्जी क्या अधिका बुझे ना अरे यहाँ हूँ वाटर भेपर वाटर भेपर अधिका कहेंगे ना से ये जो एनर्जी हमें दोचन इन द फॉर्म ऑफ हीट से एनर्जी को से अब्जर्व कला तापर से गैसियस फॉर्म को पड़ेगा तो स्टीम डा होची कोन वाटर वेपर बा तो तार तो एनर्जी अधिक है स्टीम जो पार्टिकल छ ताके एनर्जी अधिक है देखबे कि ताकर हीट अधिक माने कोन से सिंपल बेसिस सीवियर बर्न करिवे तो बांपो हाथ रे पड़ी छ देखिछ स्टीम माने बांपो हाथ बने भारी जे माने को पड़ी पकेबो सिंपल बॉइलिंग वाटर कंपेरिबो नहीं लेस एनर्जी बुझे ना पिले कहूँ पिले मैंने बुझला ना नहीं हेलो आंसर टा एटा लिखे मु तो उसने बुझे लिस ना सेटा एटा तो लिखियो हला से कोन कोच देखो ना कुछ व्हेन वाटर एट 373 केल्विन तमा केते हेरा 100 डिग्री सेल्सियस कुछ वाटर टा 100 डिग्री सेल्सियस थियो दैट इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम कुछ एट 373 केल्विन मीन सेम 100 डिग्री सेल्सियस रे किंतु जो वाटर पार्टिकल उडा से उडा के एनर्जी अब्सॉर्ब करंत कुछ इट अब्सॉर्ब एनर्जी इक्वल टू द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कुछ दस स्टीम एट 373 केल्विन हैज मोर हीट एनर्जी देन वाटर एट 373 केल्विन due to which steam produces more severe burns than boiling water bujhla na pile yes sir kahin ki tar adhika energy ko pe na ame jo energy provide karchun na sei energy ko water particle accept kala pare kon le tankar high energy hola to high energy hola seven sab kon le tar water vapor convert he gele tar bartan water re jo particle rahile tankar apike tankar energy adhika hela kahin na seven etu energy accept karchun absorb kari ki jauchani bujhla na हेलो yes, तो जत ठीक सेम दी पण जत्ते बेले गोटे वाटर वेपर टे अछि कोन अछि गोटे वाटर वेपर अछि तले वाटर वेपर अछि माने वाटर वेपर अछि माने गोटे वाटर वेपर तार एनर्जी अधिक है कंपैरिजन टू गोटे वाटर पार्टिकल बुझल ना नाही बे यस सर काहेकि ता से सराउंडिंग रु से हीट एनर्जी टा अब्जर्व करला परे जेंगे वाटर एनर्जी वाटर वेपर हैला तो जते बेले से हीट एनर्जी को लूज करिवे कोन करिवे हीट एनर्जी को लूज करिवे से कोथे कन्वर्ट हिजिवे बे वाटर वेपर जते बेले हीट एनर्जी लूज करिवे से कोडी कन्वर्ट हिजिवे मुंडरे पसु नै मु एति पे विरक्त न ताकि तुम माने मूर्ख बोली कोइमो हैला ए एडा हउची वाटर एडा कोन ए जो बॉक्स भीतर कोन अछि वाटर अछि नॉर्मल वाटर टा वाटर वेपर कन्वर्ट हे जइबो कि हमें तको हीट देले तो जदे हमें तको हीट देले से हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कला ना बे तो जो एनर्जी टा अब्सॉर्ब कला से हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कला तो जदे से अधिक एनर्जी हला तमे खाइ नथिबो तो गोटे घर जगह रे कोन रे बसथिबो जदे खाइबो कोन करिबो बुलिबो खेलिबो ना नै तो ठीक से वाटर पार्टिकुलर एनर्जी अब्जर्व करन से वाटर है कि थे
ଯେତେବେଳେ ସେ ଏନର୍ଜି ଆବଜର୍ଭ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ସପ୍ଲାଇ କଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବେ ୱାଟର ଭେପର୍ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବେ, କ'ଣ ହେଇଯିବେ ୱାଟର ଭେପର ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ୱାଟର ଭେପର୍ଟା ତାଙ୍କର ଅଧିକ ଏନର୍ଜି ନା କମ୍ପାରିଜନ ଟୁ ୱାଟର ପାର୍ଟିକିଲ ହଉ, ତ ୱାଟର ଭେପର ଅଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଅଧିକା, ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏନର୍ଜିଟା ବା ହିଟ୍ ଏନର୍ଜିଟା ଲୁଜ୍ କରିବେ କ'ଣ କୋଉଠି କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବେ ୱାଟର ଭେପର ହାଁ ୱାଟର ଭେପର ବୁଝିପାରୁନ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ଲୁଜ୍ ହଁ ହିଟ୍ ଏନର୍ଜି ଲୁଜ୍ କରେ ୱାଟର ଭେପର କୁ আচ্ছা। মতো গোটে কথা কহ, ইয়ে হচ্ছে তোমার ঘর কোথায় রে অমৃতা, এটা Yes, sir. এটা তোমার ঘর হল, তু বর্তমান তোর এনার্জি, তোর এনার্জি বর্তমান নাই, তু কোটি রহবু খেলবু বুলবু, তোর কিছু এনার্জি নাই, তুই কম করবু গোটে কলরে পড়ে রয়েছি, তো বর্তমান তুই এনার্জি দেলু, তো মামা তোরা খাইবু দেলে তুই কম করবু খেলবু বুলবু, তো তুই মু পাইলু এটি কি তাহলে বর্তমান তুই অন্বেষা তোর এনার্জি আছে, কোণ আছে এনার্জি আছে, তাহলে যেতবে সে এনার্জিটা সরিযিব তো কোণ হব পুনি খেলবু, খেলবু না পুনি কোণ হব খেলবি নাকি পুনি চুপচাপ আসবু তো মামাঙ্ক পাখু আসবু না নাই, তাহলে পুনি তো প্রিভিয়াস স্টেট পাইবু না নাই, তাহলে যে গোটে কোণরে পশিকি দিলু সেইটি তো রহিলু, তো যেতবে ওয়াটার পার্টিকল এটি আ ভিতরে অছন্তি সে লিকুইড ওয়াটার হইকি অছন্তি, তো যেতবে ই এনার্জি পাইলে সে কোণ কনভার্ট হয়ে ওয়াটার ভেপর কু কনভার্ট হয়ে গেলে, বুঝা পড়ছে না এবে, তো ঠিক সেমতি যেতে ওয়াটার ভেপর গুড়া এনার্জি গুড়া লুজ করিদেবে মাইনাস এইচ মানে কো সে এনার্জি লুজ করিবে পুনি কোটি কনভার্ট হয়ে যাবে ওয়াটার পার্টিকল সিম্পল ওয়াটার পার্টিকল কনভার্ট হয়ে যাবে, এই কথাটা কোন কই পারন বুঝিপারছ না হেলা, সেই রিজন পাই সেই রিজন পাই কোন হুয়ে কালি গোটে কোশ্চেন মো বুঝে বুঝে অধার রইতিলি এই কোশ্চেনটা কোনটা কইলু কাহিঁকি কাহিঁকি আমি যদি গোটে গ্লাসরে কিছু আইস রখি দেলা পরে তার চারিঘরে ওয়াটার লাগি যায় ওয়াটার ববলস আসি যায় কাহিঁকি না, যেতবে গ্লাসটা আমি রখিথিবা তো কুশুবিলা নাই তো ইনিশিয়ালি তার চারিঘরে ওয়াটার পেপর থিব না নেবে বুঝি না নাই, হ্যালো তু বর্তমান তু বর্তমান যোটি ছিড়া হয়েছু তো চারিঘরে বি ওয়াটার পেপর অছন্তি জানিছো না নাই, যদি যদি সে ওয়াটার ভিতর ঠারু তুই এনার্জিটা রিলিজ করিদেবু সে পুরো ওয়াটার পার্টিকেল হয়েযাবে, তো যেতবে গ্লাসরে আমি কম রাখলে আইস রখিলে তো সে গ্লাসর ওয়ালরে আইস লাগিলা, তো গ্লাসরে ওয়াল যে ওয়ালর সরাউন্ডিংরে টেম্পারেচার রিডিউস হেলা, তো যদি সে রিজিওন কু ওয়াটার পার্টিকেল আসলে তো তাঙ্ক টেম্পারেচার বি কম রিলিজ হয়েযাব, তো ওয়াটার ভেপর থিলে পূর্বরু যেতবে সে ওয়ালর সরাউন্ডিং সে যে ওয়াটার ভেপর লাগিলে তাঙ্ক টেম্পারেচার রিলিজ হেলা কাপ এই আইস মানক পাই যাফলে সে ওয়াটার ভেপর রু লিকুইড কনভার্ট হয়ে গলে বুঝলে না সে কথা কৌচি বুঝি, তো ওয়াটার ভেপর প্রেজেন্ট ইন দ এয়ার অন কমিং ইন কন্টাক্ট উইথ দ কোল্ড গ্লাস অফ ওয়াটার, যেতবে সে ওয়াটার ভেপরটা এই যে গ্লাস লাগিযে বুঝি দে লুজেস এনার্জি বুঝিপারছ কি না, বুঝি দে লুজেস এনার্জি অ্যান্ড গেট কনভার্টেড টু লিকুইড স্টেট হুইচ উই সি অ্যাজ ওয়াটার ড্রপলেটস, ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଠି ବି ହବ ବୁଝିଲ ନା ଭାଇ ହେଲା, ୟେସ୍ ସାର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର୍ 9 କୁଛ ନେମ୍ ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଇନ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ସୋଇଂ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ লাগে না সোয়িং চেঞ্জ ইন ইটস স্টেট মম হ্যালো বুঝি না নাই ইয়েস স্যার আচ্ছা এইটা হচ্ছে এ এ স্টেট এ রে এটি কোন হচ্ছে কইল এ স্টেট রে বর্তমানে কোন হচ্ছে এ স্টেট রে
ବୁଝିଲ ନାହିଁ? ସଲିଡ୍ କୁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ କନଭର୍ଟ ତାହେଲେ ଯେତେ ସଲିଡ ଟା ଲିକ୍ୱିଡ କନଭର୍ଟ ହୁଏ ସେ ପ୍ରୋସେସ ଟାକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି? ଫ୍ୟୁଜନ ଫ୍ୟୁଜନ, ମେଲ୍ଟିଂ ବା ଫ୍ୟୁଜନ କହନ୍ତି। ସେ ଲେଖିବ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ସେମିତି ବିଟା କଣ ହବ, ବି ଷ୍ଟେଟ ଟା କଣ? ବି ଏଠି କଣ ହଉଛି, ଲିକ୍ୱିଡ ଟା ଗ୍ୟାସ କନଭର୍ଟ ହଉଛି, ଏଟା କଣ କହିବା? ଭେପୋରାଇଜେସନ ଭେପୋରାଇଜେସନ। ତେଣୁ ସିଟାକୁ କଣ କହିବା, ଗ୍ୟାସଟା କଣ୍ଡେନସେସନ କଣ୍ଡେନସେସନ। ଲିକ୍ୱିଡ କନଭର୍ଟ ତାହେଲେ ଏ କେସ କଣ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସଟା ଲିକ୍ୱିଡ କନଭର୍ଟ ହଉଛି ତାହେଲେ ସେଠି ଏନର୍ଜି ଲୁଜ ହଉଛି ନା ଅବଜର୍ଭ ହଉଛି? ଲୁଜ ସିମ୍ପଲ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଓକେ, ତାପରେ ସେ ଡି ବିଟା କଣ ହବ, ଡିଟା କଣ ହବ, ଡି କାଇଁ ଏଇଟା ଲିକ୍ୱିଡଟା ସଲିଡ ହଉଛି, କଣ ହବ ସେଟାକୁ? ସଲିଡିଫିକେସନ, ସଲିଡିଫିକେସନ। ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ ହବ, ସବ୍ଲିମେସନ। ସବ୍ଲିମେସନ, ଭେରି ଗୁଡ୍। ମୁଁ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ ବି ଦେଇଛି ତାକୁ ସବୁ, ଦେଖ କପିରେ କରିବ ପିଲାମାନେ, ତା ସହିତ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଦେଇଛି। ଯେମିତି ଏଇଟା କଣ ହବ, ଏଇଟା କଣ ହବ, ଗ୍ୟାସଟା ହଉଛି ସଲିଡ, କଣ ହବ ଡିପୋଜିସନ ଡିପୋଜିସନ ଡିପୋଜିସନ। ଓକେ, ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଅଛି ନା? ସରିଗଲା ହେଲା, ଏବେ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ବୁଝିଲା। କିଏ କଣ ଗପୁଛି ଭାଇ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ ରେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ହେଲା, ଏକ୍ସରସାଇଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଗଲା ହେଲା। ଏଟା କୁହ, ମ୍ୟାଟର ଇଜ ମେଡ ଅପ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟାସ ସ୍ମଲ ଡ୍ୟାସ, କଣ ହବ? ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ। ଏଇସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ କରିବ ତୁମେ ହେଲା ନା, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସବୁ କରିବ, କପିରେ କରିବ। ଫୋର୍ସ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ବିଟୱିନ ଦ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଆର ଡ୍ୟାସ ଇନ ସଲିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ ଇନ ଲିକ୍ୱିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ ଇନ ଗ୍ୟାସେସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ, ଲାଷ୍ଟ ହବ ମିନିମମ, ମଝିଟା ଜାଣିନି। ମଝିଟା ଜାଣିନି, ତୁ କଣ, ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ କହୁଛୁ ଜାଣିଛୁ ନା ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ ଦୀପସାରାଣୀ, ୟୁଆର ସେଇଂ ଲାଇକ ଅଲ କିଡ, କାହିଁକି ସାର୍ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହବ? ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଯା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ କହିଲେ ଏକା କଥା ନୁହେଁ କି? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ସଲିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ ଇନ ଲିକ୍ୱିଡ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହିପାରିବା ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ବା ମାନେ ମିଡିୟମ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ ଯା ମିଡିୟମ ସେଇଆ, ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ ଇନ ଗ୍ୟାସେସ ଦଟ୍ ଇଜ ମିନିମମ। ଦ ସ୍ମେଲ ଅଫ୍ ଇନ୍ସେନ୍ସ ଷ୍ଟିକ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ସ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ରୁମ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡ୍ୟାସ। ସାର୍ ବୁଝିହେଲାନି ବସ୍ତି। ଇନ୍ସେନ୍ସ ଷ୍ଟିକ୍ ମାନେ ଜାଣିଛୁ କଣ? ଧୂପକାଠି। ଧୂପକାଠି, ମାନେ ଧୂପକାଠିର ବାସ୍ନାଟା ଗ୍ରାଜୁଆଲି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୁମ୍ ସାରା ଖେଳିଯାଏ, କାହିଁକି? ଡ୍ୟୁ ଟୁ କୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଯୋଗୁଁ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ମୁଁ ତମେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ସହିତ ମିଶେ, କଣ କହିଲି, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ମନେକର ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ମିଶିଲା, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ଦ୍ୟାଟ ପ୍ରୋସେସ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଡିଫ୍ୟୁଜନ, କଣ କହନ୍ତି? ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ଆଇଦର ଗ୍ୟାସ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ସହିତ ମିଶୁ, କିମ୍ବା ସଲ୍ଟ କୁ ଆମେ ସୁଗାର ସହିତ ମିଶେଇଲେ, ସଲ୍ଟ କୁ ମିଶେଇଲେ କାହା ସହିତ, ୱାଟର ସହିତ, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ କଣ କହିବା, ଡିଫ୍ୟୁଜନ କହିବା, ବୁଝିଲ ନା ଏବେ? ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଶିଗଲେ ପୁରା, ସେଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଡିଫ୍ୟୁଜନ। ତାହେଲେ ଏଇଠି କଣ ହଉଛି, ଇନ୍ସେନ୍ସ ଷ୍ଟିକ୍ର ଯୋଉ ପାର୍ଟିକୁଲ, ଯୋଉ ଧୂପକାଠର ଯୋଉ ସ୍ମେଲ୍ର ଯୋଉ ପାର୍ଟିକୁଲ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଏୟାର ସହିତ କଣ ମିଶିଯାଏ, ବୁଝି ହଉଛି କି ନାହିଁ? ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଡିଫ୍ୟୁଜନ କହନ୍ତି, କଣ କହନ୍ତି, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡିଫ୍ୟୁଜନ। ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଏଭାପୋରେସନ ଅଫ ୱାଟର ଡିପେଣ୍ଡସ ଅନ୍ ଦ ଗ୍ୟାସ ଏରିଆ ଏକ୍ସପୋଜ ଟୁ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର।
फास्ट एवापोरेशन माने जदी क्विक एवापोरेशन हबो बा जल्दी एवापोरेशन हबो हला कि नाही तो सेटा कहा पर डिपेंड करे सेटा गोटे गोटे मैटर सरफेस एरिया पर डिपेंड करे क्या पर सरफेस एरिया एक्सप्रेस टू एटमोस्फियर मन करो आम गोटे कप ग्लास रे पानी रखा गोटे बड़ थाली रे पानी रखा है ग्लास रे पानी जो रखी थी जी पा एवापोरेशन हो किंतु जदि आमे गोटे बड़ थाली रे पानी रखा तेल यही केस रे अधिका पानी एवापोरेशन हम कहीं आर सरफेस एरिया अधिका अच्छे बुझिपार कि नहीं एवापोरेशन कजेस गैस एवापोरेशन कजेस गैस हेलो अबे एवापोरेशन कजेस गैस अच्छा देख गोटे कथा एवापोरेशन माने कौन हम से पार्टिकल टा कौन हम कि एनर्जी नब ना नहीं बुझी ना भी यस सर एटा होची तो देह हला नहीं एटा होस तो बॉडी रे जो झाड़टा लागिला एडी तो बॉडी रे झाड़टा लागु जिसे तो बॉडी रे कोन झाड़टा से लागि रहूची सब बळ पे से कोन झाड़टा एवापोरेशन होची ना नहीं हां अच्छा तो जते बळ से एवापोरेशन होची माने कोन से हीट न ना नहीं एभा गोटे जिनस एवापोरेशन होची माने से सराउंडिंग्स रो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करिवो तल जो हीट एनर्जी टा अब्जॉर्ब कला सेटा कोड अब्जॉर्ब कला तो बॉडी रो अब्जॉर्ब कला को बुझी पाले नहीं हेलो रे ए बुआ टुंगुरु टंगुरु मारनु को पे किबे कहली ओटे वाटर पार्टिकल टा अछि एटी गोटे वाटर पार्टिकल अछि कल से एटा होच बर्तन वाटर पार्टिकल तो जिते बेले से हीट एनर्जी अब्जॉर्ब कला कौन अब्जॉर्ब कला हीट एनर्जी अब्जॉर्ब कला कौट अब्जॉर्ब कला सराउंडिंग्स रो अब्जॉर्ब कले कौन हम कौन हम वाटर वेपर हम ना नहीं अच्छा तो बर्तमान गोटे जगह रो हीट एनर्जी रिड्यूस हेले हम तो कौन कहबा देखो वाटर पार्टिकल अबे हीट कमी गला तो एंगल टा लोहा टे गछि गरम हे गछि ठंडा ठंडा हे गला एडो कोन कहबा हीट पड़ा मैंने कौन थंडा है लन नहीं ठंडा है ना लॉस ऑफ हीट टेका में कोई बने कि कोल्ड ओ पूछी पर नो एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग जितने अधिक एवापोरेशन है वो सिद्ध कूलिंग है वो अच्छा वो गरम छाता देख जो तुम्हारे छाता थी वो पर अपने बर्तन छात्रा गरम ही थी वो ना नहीं कहीं गरम हीते खराब भाई खराब है कल से छात्र हीट एनर्जी अछि ने नहीं कोन अछि हीट एनर्जी अछि हमें से हीट एनर्जी कोन करबा अबे छात्र के सिर्फ नेकी पानी डाल देबा कोन कोन डाल देबा किछ पानी डाल देबा तो पानी डालला पर पानी उडा कोन सेम थिबो गोटे पानी ने कोड पळे जाय किछ हम परे पानी डालला पर से पानी कोड जाय छात्र पर सेम रहि जाय सेम दी किछ हम पर न थाय पानी छात रही था कुआ जाए पानी डिसअपीयर हो जाए कुआ पड़ी जाए कुआ जाए छात शोषी दिए नुह जो पानी टा ढाले ऑलरेडी छात रे हीट एनर्जी अच्छी गरम है कि अच्छी से हीट एनर्जी वाटर पार्टिकल सब अब्जॉर्ब करले बुझ पाइले नहीं अब्जॉर्ब करी से वाटर वेपर रे कन्वर्ट हेले कोटी कन्वर्ट हेले वाटर वेपर रे कन्वर्ट हेई पाले आमे से आमे को लागे से छात शोषी नहीं किंतु छात शोषी शोषी नहीं से वाटर वेपर रे कन्वर्ट हेगले ताले पानी डालला पर कोन हे तुम छात रे गरम रही दे ना हां तुम पानी डालला पर छात रे गरम लागे गरम छात पानी डाली देले छात थंडा लगे कहीं पानी डालिया फल कौन से पानी गुड़ा छात रु हिट एनर्जी अब्जर्व करी वाटर वेपर कन्वर्ट हो गले तो हिट एनर्जी लूज कर छात
तो गोटे जिनस हिट कमीगले कौन हम हिट रिड्यूस थंडा होती कहते एवापोरेशन कजेस कूलिंग बुझे ना विद द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ गैस इट्स प्रेशर डैश कौन हुए इनक्रीज जब हम वॉल्यूम डिक्रीज करिबा तले कौन हम प्रेशर इनक्रीजेस बुझे नहीं। यस सर नेक्स्ट विद द डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इट्स वॉल्यूम द डिक्रीज करे टेम्परेचर वॉल्यूम कौन हम इनक्रीज अरे टेम्परेचर डिक्रीज करले वॉल्यूम डिक्रीज हम बुझिपारछ कि नाही केमते केमिति केमिति देख टेम्परेचर बढ़ेले आमर बेसिकली कौन होछ गुट जिनस बुझिन नाही हना यस किछ एरिटी अछंती तू क्लास 7 रे पढ़ी दिबू जदि आमे टेम्परेचर राइज करिबा वाटर पार्टिकल जो हम जो एयर पार्टिकल कौन करेंगे एयर पार्टिकल जो हीट है कौन करेंगे बुझना नहीं बे लो यस सर जो एयर पार्टिकल यस सर एयर पार्टिकल जो अच्छे तक हम जो हीट करिया तल से एयर उड़ा कर जीबे भाप ये वाटर को था कौन एयर पार्टिकल को था मगुची एयर पार्टिकल्स अलग ही नहीं एयर पार्टिकल यदि हमें हीट करिबा तो पार्टिकल्स राइजेस अप ऊपर उठि जीवो तो जते बेले एट के जे एयर पार्टिकल अछंदी एटा को हीट करले तल से कोन हो ऊपर को पड़े गेले नहीं तल ए ए जो रीजन के एयर पार्टिकल रहले की रहले नहीं तमन ए रीजन के जे प्रेशर रहला नहीं कने एयर पार्टिकल इंक्रीज हेले प्रेशर ता बढ़िबो तो हमें हीट एनर्जी देले कोन हो एयर पार्टिकल ऊपर को पड़ेबो जब हिट दबानी कौन हम से एयर पार्टिकल पुणे पलिवे जिते अधिक एयर पार्टिकल रहा से प्रेसर बढ़ा कि नहीं टेम्परेचर डिक्रीज करदे वॉल्यूम डिक्रीज हो कहीं टेम्परेचर इनक्रीज कले कौन वॉल्यूम बढ़ी जा बुझे ना भाई हायर टेम्परेचर गैस पार्टिकल्स आर मोर डैश देन दैट कूलर टेम्परेचर kinetic energy at higher temperature the gas particles have more kinetic energy ke 0 degree celsius temperature corresponds to gas kelvin 273 gas is the change of gaseous state directly to solid state without changing into liquid state and vice versa the process ta kon kon di use gaseous state directly solid ko convert hisbo अरे गैस गुड गैस टे डायरेक्टली सॉलिड हां डिपोजिशन तो सब्लिमेशन केमिति गैस गैस ना सॉलिड कहला तो कौन कहबा डिपोजिशन gas is the change of gaseous state directly to solid solid state without changing into liquids the gaseous state kon ho jetale gaseous state ho che actually solid ko hala tudra answer dekhi ko ju bujhle na eta deposition lipsa answer dekhi ko ju seti pai tudra answer dekhi ko ju seti pai tu ko ju no sir dekhi ni and eta 10 number answer de sublimation सबलिमेशन पढ़े प्रथम एक्सरसाइज सब करती सरला सरीगले एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन कल लिखे व्हाट इज मैटर है बहुत गुड क्वेश्चन देखिए कॉपी कर सिंपल से तुम काम क्वेश्चन जो न बुझे मतलब पचार बुझला नहीं यस सर एक मल्टीपल चॉइस के दे दीजिए एवेपोरेशन प्रोसेस रिजल्ट्स इन गैस कूलिंग हां देखो जे कते कांसेप्ट जिंस आ जे दे
एमसीक्यू सब कर बहुत भी क्वेश्चन दीजिए एक्चुअली। तब नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डू द वाटर पार्टिकल्स हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। कौ केस रे वाटर पार्टिकल रे कम काइनेटिक एनर्जी अच्छी लेस काइनेटिक एनर्जी कौ केस रे वाटर आइस वाटर स्टीम वेपर अच्छा तमें शुण शुण काइनेटिक एनर्जी कहार कहले सब काइनेटिक एनर्जी मान ऑर्डर टा कौन कहल मन कर सॉलिड अच्छी आ लिक्विड अच्छी आ गैस अच्छी क्यों मान काइनेटिक एनर्जी अधिका कम सॉलिड मान कौन से काइनेटिक एनर्जी मान कौन जब पार्टिकल गुटा मूव करे तो कह काइनेटिक एनर्जी सॉलिड मान पार्टिकल गुटा मूव करती कि करती सॉलिड मान पार्टिकल गुटा वाइब्रेट करती तेनालीर सब लेस काइनेटिक एनर्जी लिक्विड रिके अधिका गैस रब अधिका तो यहाँ हूँ काइनेटिक एनर्जी ऑर्डर है कि नहीं पार्टिकल मान जो काइनेटिक एनर्जी तरह ऑर्डर हूँ सॉलिड रब लेस लिक्विड गैस बुझे ना पिले क्वेश्चन कौन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द वाटर पार्टिकल्स हैव लेस काइनेटिक एनर्जी आइस 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 है कि नहीं आइस टा हूँ सॉलिड देख देख के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दीछे है न पढ़ा हमने कहीं ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी हूँ कौन प्रथम सॉलिड लिक्विड गैस किए सॉलिड टा हूँ सब लेस सॉलिड टा हूँ आइस तेनाली आइस इज आंसर हाउ ये क्वेश्चन सब कर न कर आंसर भी देखिए एक्सप्लेनेशन भी देखिए मु पाठ पढ़े दिली तुमको क्वेश्चन आंसर पे देखो ये तो कितने क्वेश्चन है देखो ना 50-60 क्वेश्चन अच्छे तुम जब ये सब जिन लाइटली नब ना प्लस टू साइंस पढ़ किसी बुझा पड़े ना जब ये सब जिन कंप्लीट कर एटलिस्ट प्लस टू साइंस भारी बढ़िया हम है तुम क्वेश्चन प्रोवाइड कली ए क्वेश्चन एंड रे आंसर दे बुझे नहीं सब एक्सप्लेनेशन भी देखिए कहल सुना सब एक्सप्लेनेशन भी देखिए एक्सप्लेनेशन दे सबुर तुम कम हो पढ़ जो न पढ़ पार जो न बुझ पार मत पचार मुला मल्टीपल चॉइस सब एक्सप्लेनेशन दे कहीं आंसर है सी देखिए एक्सप्लेनेशन दे कहीं एवापोरेशन कॉजेस कूलिंग ड्यू टू द एस्केप ऑफ द हाई एनर्जी पार्टिकल सिंपल यही जिन तुम पे कर पढ़े दिल सब थीरी डिस्कशन न कर क्वेश्चन आंसर निजे न कर सब कह पॉसिबल नो बुझे नहीं हेलो यस सर सोनाली अच्छी ना पढ़ी चुके हाँ तू तो देख कौन तो तो धंधा तू कर मुझे जानी गोटे आंसर तो रिप्लाई दो ना रही बाय बाय है।